नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जिसके सहयोग से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। आगे भी इसके सहयोग से कौशल विकास के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर मिलेंगे। ये बातें राज्य सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नाबार्ड के स्थापना दिवस के मौके पर कही। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि शून्य लागत खेती का तेजी से चलन बढ़ा है। मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और ग्रामीणों को स्वरोजगार देने में नाबार्ड की बड़ी भूमिका रही है। इसी क्षेत्र में लगातार काम करते हुए नाबार्ड ने अपना 37 साल का सफर तय कर 38वें साल में प्रवेश कर चुका है। देखिए, आज नाबार्ड का 38वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं नाबार्ड के संस्थापक अध्यक्ष और नाबार्ड के सभी कर्मियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं, जिनके प्रयासों से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का आधारभूत ढांचा काफी तेजी से विकसित हो रहा है और कृषि क्षेत्र को काफी उसके भीतर उपलब्धियां गई हैं। ग्रामीण पूंजी निवेश करके और स्थापना सुविधाओं को बढ़ा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक ताकत देना, उसको मजबूत किया जाना, साथ साथ में कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के भीतर रोजगार दिया जाना, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करके